लोधना क्षेत्र स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडिगी कोलियरी खान दुर्घटना की 20वीं वर्षी पर बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल वीकेएम मल्लिका अर्जुन राव, जीएम सेफ्टी एके सिंह, बागडिगी के श्रमिक और शहीदों के परिजनों एवं जरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, भाजपा नेता अखिलेश सिंह ने मंगलवार 2 फरवरी 2021 को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। 2 फरवरी 2001 को 29 श्रमिकों की हुई थी जल समाधि। हादसे के वक्त बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने शहीदों के आश्रितों को जो वादे किए थे वो वादे 20 साल बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए। मंगलवार 2 फरवरी 2021 को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे शहीद संतराज प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी ने कहा कि बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने हादसे के वक्त कहा था कि पेंशन, बच्चों के स्कूल में फ्री एजुकेशन और 9 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन नौकरी के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि बीसीसीएल ने शहीदों के आश्रितों को जो वादे किए थे उसे पूरा करे। वहीं बागडिगी कोलियरी शहीद स्मारक पहुंचे बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल वीकेएम मल्लिका अर्जुन राय ने कहा कि कोई भी खान हादसा काफी दुखद हादसा होती है, क्योंकि ऐसे हादसे में बीसीसीएल के श्रमिक ही शहीद हो जाते हैं, जो बेहद दुख की बात है। इसलिए ऐसे हादसे को देखते हुए सभी कामगारों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा सबसे प्राथमिकी है, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आपको बता दें कि धनबाद झरिया के लोधना क्षेत्र स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडिगी कोलियरी में 2 फरवरी 2001 दिन शुक्रवार को प्रथम पाली में 12 नंबर पिट के सिम नंबर 7 में लगभग 80 से 90 श्रमिक कार्य करने गए थे। दिन के लगभग 11 बजे के आसपास अचानक 12 नंबर पिट से हवा का तेज झोंका चाणक के ऊपर उठा। हवा इतनी तेज थी कि चाणक के ऊपर बैठे हुकमैन और मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हुकमैन ने मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों की दी। जानकारी मिलते ही अधिकारी चाणक के समीप पहुंचे और मामले की जानकारी में जुट गए। थोड़ी ही देर में अधिकारियों को पता चल गया था कि चाणक के अंदर डैम फट गया है, जिससे खदान पूरी तरह डूब चुका है। खदान के अंदर डैम फटने की जानकारी जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और आसपास के लोगों का हुजूम चाणक के समीप उमड़ पड़ा। जो श्रमिक खदान के अंदर कार्य करने गए थे उनके परिजन भी चाणक के समीप पहुंचकर जल्द रेस्क्यू की मांग करने लगे। बीसीसीएल के वरीय अधिकारी त्वरित कार्यवाही करते हुए खदान में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम शुरू किए। दिन बीतते गए, रेस्क्यू चलता रहा। खदान में पानी इतनी अधिक थी कि श्रमिकों के पास रेस्क्यू की टीम को पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इधर खदान में फंसे श्रमिकों के परिजन का धैर्य भी जवाब दे रहा था, जिसे लेकर श्रमिक के परिजन और आसपास के लोग चाणक पर हंगामा करने लगे थे। घटना की जानकारी मिलते ही खाकी और खादी की फौज भी बागडिगी कोलियरी पहुंच गई थी। इधर घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद जब खदान में फंसे श्रमिकों के बचने की संभावना छिन्न हो गई, तो परिजनों ने बीसीसीएल के वरीय अधिकारी और जिला प्रशासन से शव निकालने की अपील की, जिसके बाद बीसीसीएल के अधिकारियों ने खदान में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए मुंबई से गोताखोरों की टीम मंगवाई। 5 फरवरी की रात 12 बजे गोताखोर की टीम जयरामपुर 5 नंबर चाणक से शव निकालना शुरू किए। शव की पहचान कैप लैंप की नंबर से की गई थी। वहीं घटना के 7 दिन बाद रेस्क्यू की टीम ने मोहम्मद सलीम नामक फिटर को खदान से जीवित निकाला था। बड़ी खान दुर्घटनाओं की सूची में झरिया की बागडिगी कोलियरी भी शामिल है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को बागडिगी शहीद स्मारक पर बीसीसीएल के वरीय अधिकारी, शहीद श्रमिकों के परिजन और बागडिगी के श्रमिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तारीख को याद कर सभी की आंखें नम हो जाती है। हमको अब 33 साल कोल इंडिया में मेरा सेवा हो चुका है। जिस खदानों में, जिस कंपनी में काम किया था, वहाँ के ऐसी दुर्घटनाएँ खुश नसीब से हमको देखने नहीं मिला। लेकिन बीसीसीएल का जो कंडीशंस है, थियोलॉजिकल कंडीशंस है, कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज डिफरेंट है, क्रिटिकल है, जिस कारण से ऐसा घटना हुआ होगा। बट ऐसी स्थिति को देखते हुए कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा सतर्क रहना जरूरी है, और सुरक्षा सबसे प्रथम रखना होगा, जिससे ऐसा घटना या भविष्य में ना हो। और जो इस घटनाएं में 29 कामगार भगवान को प्यारा हो गया है, उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।
मिश्रा जी, आज ये बागडीगी खान हादसा का कितनी बरसी है आज? आज 2002 फरवरी है सर। क्या हुआ था? बागडीगी पानी खदान आया था तो पानी ने डूब गया। उसमें आपके भी हस्बैंड था संतराज प्रसाद। जब जो घटना घटी तो उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी उसमें क्या क्या मिला? उसमें तो सर कुछ नहीं मिला सर, बोल करके पैसा भी तो नहीं मिला सर। अभी तकल प्रमोशन भी नहीं हुआ, प्रमोशन भी अभी तकल नहीं हुआ। हम लोग दौड़ दौड़ के पड़े तो अभी तकले पेंशन के मने पेंशन नहीं मिल रहा सर। क्या क्या अधिकारी बोले थे उस समय? उसने तो बोले थे कि मने बच्चा के मतलब दिल्ली तकले फ्री पढ़ाएंगे, वो भी नहीं मने बागडेगी तो यहाँ जति जेल वहाँ पर स्कूल में भी पैसा फीस लग रहा था। मतलब जो वादा किया था वो कुछ पूरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं दिया सर, बोल करके हम लोग के बोला था 9 लाख रुपया देंगे, कुछ भी नहीं दिया था। अधिकारी तो हर वर्ष कहते हैं कि हमने सभी को हर चीज दे दिया है, लेकिन नहीं सर कुछ नहीं दिया। मतलब वो दिखावा है, खाली दिखावा दिया है। अभी तत्काल क्या कुछ आश्वासन? कुछ नहीं, अभी तक हमको प्रमोशन भी नहीं किया। अभी क्या समस्या है? अभी हमारा पेंशन नहीं चालू हुआ है, और हमारा पेंशन जो आदमी वाला मिलता है वो वाला पेंशन नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या आप मीडिया के माध्यम से कुछ मांग करना चाहेंगे, बीसीसीएल के अधिकारियों से? मांग कर चाहेंगे हमको प्रमोशन कर दे, और उकर बाद जो आश्वासन दिया था वो पूरा हो जाए। हाँ, और उकर बाद में हमारा अभी पेंशन नहीं चालू हुआ, पेंशन चालू करवा दे। कहाँ के रहने वाले? हम तो नवादा के रहने वाले।